चलिए बनाते हैं आज बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी और टेस्टी सा लंच बॉक्स। यदि आपके बच्चे भी लौकी नहीं खाते हैं तो इस तरह का लंच बॉक्स ज़रूर बनाएं। तो इस तरफ से मैंने लौकी को छील लिया है, आधा कट कर लिया है। मोटे वाले ग्रेटर से हम इसको ग्रेट कर लेंगे। तो मोटे वाले ग्रेटर से क्या होगा ना कि ये बहुत ही अच्छा बनता है, अगर पतला कर देंगे तो बहुत ही ज़्यादा फाइन पेस्ट बन जाएगा। तो हमें इसको पेस्ट नहीं बनाना है और सारे हम लौकी को इस तरह से हम कट कर लेंगे, ग्रेट कर लेते हैं। आप चाहें तो चॉपर से चॉप भी कर सकते हैं। इस तरह से देखिए बढ़िया से हम इसके लच्छे बना लेने हैं। सारे लौकी को हम इसी तरह से प्रोसेस से कर लेंगे। तो हमने लौकी का बहुत ही बढ़िया से इस तरह से ग्रेट कर लिया है। अब इसमें डाल देंगे दो चॉप की हुई हरी मिर्च, साथ में डाल देंगे ढेर सारा हरा धनिया। अब हम इसमें डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर थोड़ा तीखा के लिए, नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार, हल्दी पाउडर डाल देंगे 1/4 छोटी चम्मच, धनिया पाउडर डाल देंगे 1 चम्मच के लगभग और बेसन डाल देंगे इसमें 1 बाउल भर कर। इसका टेस्ट और इन्हेंस करने के लिए अजवाइन भी डाल देंगे यहाँ पर 1/2 छोटी चम्मच के लगभग। अब आप कहेंगे कि ये बच्चों के लिए तो तीखा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो आप अपने बच्चों के हिसाब से तीखा डाल सकते हैं। मैं अपने हिसाब से डाल रही हूँ। सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करना है, पानी का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। लौकी के मॉइस्चर में ही ये बहुत अच्छे से बाइंड अप हो जाएगा। तो ये देखिए बढ़िया सा ये डो जैसे बंध गया है। हमें इसमें कोई सोडा वगैरह ऐड नहीं करना है, ऐसे ही बनाएंगे हम इसको। तो हमें इसका एक लोब टाइप का बनाना है क्योंकि हम इसको स्टीम करने वाले हैं। आप चाहें तो छोटे छोटे पोर्शन में भी आप इसको स्टीम करने रख सकते हैं, ये देखिए इस तरीके से। तो इसके लिए हमें एक स्टीमर को तैयार कर लेना है। ये देखिए यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में पानी गर्म करने रख दिया है। इसमें तेल लगा कर एक छन्नी या जाली रख देंगे और लोब को रख देंगे इसके ऊपर, अच्छे से फैला देंगे और इसको आप घड़ी लगाकर 15 मिनट के लिए स्टीम करें मीडियम फ्लेम पर, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम। 15 मिनट में बहुत अच्छे से ये स्टीम हो जाएगा और अभी आप देखिए ये कितना लिक्विडी है ना, फिर थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। तो इसको अच्छे से सेट कर लें और फिर आप इसको चाहें तो ढक दें और ढकने से ये जल्दी से कुक हो जाएगा। तो अब हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं कवर करके। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखें, हाई फ्लेम पर नहीं रखना है हमको। अब इसको कुक होने देते हैं। तो 15 मिनट हो चुके हैं। 15 मिनट बाद आप देख सकते हैं इस तरह से चाकू से चेक करेंगे ना तो बिल्कुल भी ये चिपक कर नहीं आ रहा है ऊपर। इसका मतलब ये अच्छे से कुक हो गया है। ऊपर से भी आप इसको टच करके देखेंगे तो ये बिल्कुल भी देखिए नहीं चिपकेगा हाथों में। तो बस इसको थोड़ा ठंडा करेंगे और इससे हम बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकाल के इसको ठंडा करें और इसके बाद ही हम इसको कट करेंगे। एकदम गरम गरम में ज़्यादा टच नहीं करेंगे। अभी अच्छे से ठंडा हो गया है, देखिए इस तरह से हाथों से निकल जाएगा। अब हम इसके पीसेस कट कर लेंगे। तो आप चाहे तो इसको स्टीम करके ऐसे डायरेक्ट भी खा सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा इसको तड़का वगैरह नहीं देना है या आपको सिंपल ज़्यादा तेल वगैरह नहीं खाना है तो आप ऐसे भी चटनी के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। मैं इसे बच्चों के लंच बॉक्स में दे रही हूँ तो इसको हम थोड़ा सा सौते कर लेंगे तेल में, जैसे तड़का देते हैं ना बिल्कुल उसी तरह से हम इसमें थोड़ा सा तड़का दे देंगे। तो पैन में ले लेंगे तेल 2 चम्मच के लगभग। अब इसमें डाल देंगे सरसों के दाने छोटे वाले, साथ में इसमें डाल देंगे करी लीव्स। तो इससे बहुत ही अच्छा स्वाद आ जाता है। मिर्च हमने पहले ही ज़्यादा डाली तो अब नहीं डालेंगे। आप चाहे तो तड़के में भी एक आध मिर्च डाल सकते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे हमारे ये लौकी के नाश्ते और इसको अच्छा सुनहरा होने तक हमें सौते कर लेना है। बहुत देर तक कुक नहीं करना, हल्का सुनहरा हो जाए बस इतना ही। ऐसे में क्या होता है कि अगर ये थोड़ा ठंडा भी हो जाता है ना लंच बॉक्स तो भी वो बहुत स्वाद देता है, बहुत ही यमी लगता है। लौकी और बेसन से बना है तो बहुत हेल्दी भी है। तो इस तरह से बच्चों को आप दीजिए, बहुत ही हेल्दी टेस्टी और लौकी से बना हुआ है। तो अगर उनको लौकी नहीं भी पसंद है तो इस तरह के नाश्ते वो खा लेते हैं। मेरे बच्चे तो इस तरह की चीज़ें बहुत पसंद करते हैं। तो अगर मैं उनको ये वाला लंच बॉक्स देती हूँ ना तो बिल्कुल फिनिश वो कर आता है। रोटी पराठे और पूड़ी से बच्चे बोर हो जाते हैं तो थोड़ा सा अलग अलग करके उनको दो ना तो वो बहुत ही इंजॉय करके खाते हैं। इस रेसिपी को आप बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी दे सकते हैं, इवनिंग स्नैक्स में बना सकते हैं, या फिर जब भी कुछ आपको चटपटा और हेल्दी भी हो ऐसा खाना हो तो आप इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। ये देखिए बढ़िया सा हमने इसको तैयार कर लिया है, कितना बढ़िया इस पर कलर आ गया है। अब ऊपर से हमने चॉप किया हुआ धनिया डाल दिया है
तो कई लोग इसमें तिल भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको बहुत पसंद हो तड़के में, मैंने नहीं किया है। ये देखिए ये बढ़िया से तैयार हो गया है, लंच बॉक्स रेडी करते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये लंच बॉक्स में रख दिया है सॉस के साथ, आप इसे किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो बच्चों को यह रेसिपी बहुत पसंद आती है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और इतनी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।